फंगल इन्फेक्शन आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है। इनफैक्ट कई सारे लोग फंगल इन्फेक्शन से सफर करते हैं लेकिन उसे ठीक तरह से ट्रीट नहीं करते और फिर फंगल इन्फेक्शन बार बार उनमें वापिस आता है। क्या आप भी इस तरह की फंगल इन्फेक्शन से सफर कर रहे हो? क्या आप भी ये प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो? तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए है। हेलो, मैं डॉक्टर धनंजय चौहान, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी, पुणे। भाई और बहनों, पिछले 4-5 इयर्स में सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन इंडिया में एक एपिडेमिक जैसा हो गया है। एज अ ट्रेडिशनल डर्मेटोलॉजिस्ट और एज अ स्किन स्पेशलिस्ट, हम हर रोज फंगल इन्फेक्शन के 4-5 पेशेंट पहले देखते थे, लेकिन इन लास्ट 4-5 इयर्स हम एटलीस्ट 20-25-30 पेशेंट डेली देख रहे हैं। ये सिचुएशन एपिडेमिक जैसे ही बन गया है। पहले हम एक आधे फैमिली में एक आधा पेशेंट देखते थे, लेकिन अभी पूरी फैमिली फंगल इन्फेक्शन से सफर कर रहे हैं और इससे पेशेंट भी परेशान है, डॉक्टर भी। पहले एक आधी दूसरी बेसिक एंटीफंगल गोली या एंटीफंगल क्रीम से या हफ्ते में एक आधी गोली खाने से ये ठीक होता था। 3-4 हफ्तों की ट्रीटमेंट से पर्सनल हाइजीन अच्छा करते हैं तो ये सब ठीक होता था, पर अब महीनों महीने 2-2 स्ट्रॉन्ग एंटीफंगल गोलियां लेके ढेर सारे मलम लगा के फिर भी 3-4 महीने में ये बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है, पेशेंट में ये फैलती जा रही है और तो और बाकी के फैमिली मेंबर्स को भी वो या फ्रेंड्स को या रूममेट्स को ये फैला रहे हैं। कॉस्टली या महंगी दवा लेकर भी फंगल इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो दवाइयां बंद करने के बाद इन्फेक्शन फिर से वापस हो रहा है, इसका रिकरेंस हो रहा है। दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग फॉर एवरी पेशेंट एंड इवन हम डॉक्टर्स को भी ये देख के काफी हैरान हो चुके हैं। आज हम इस समस्या को पहले समझेंगे। इस वीडियो में हम फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट इसे ट्रीट करने को क्या क्या डिटेल में देखते हैं, ये वीडियो एंड तक देखो आप, क्योंकि ये वीडियो देखने से आप आपके फंगल इन्फेक्शन के लिए सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है इसके बारे में जानेंगे, प्रिवेंशन कैसे करना है ये भी जानेंगे। और एक स्पेशल वीडियो हम बनाने वाले हैं जिसमें फंगल इन्फेक्शन प्रिवेंट करने के लिए डोंट एंड डूज क्या होता है ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन, व्हाट आर द कॉजेस, हाउ वी कैन ट्रीट इट, इवन क्योर या प्रिवेंट रिकरेंस कैसे कर सकते हैं। स्किन के सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन को कॉमनली लोग दांत, खुजली, खजाने वाली बीमारी, बुरशी, नाइटा, भूरी फंगल इन्फेक्शन ऐसे कई नामों से जानते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन बॉडी के कौन से एरिया में हो गया है उसी हिसाब से जॉक इच, एथलेट फीट या बाकी सारे नाम है। देखिए, फंगस इज प्रेजेंट ऑन एवरीवन्स बॉडी एंड इवन सराउंडिंग एनवायरमेंट ऑल्सो। ये फंगस हमारे स्किन के ऊपरी लेयर यानी कि स्किन के सरफेस पे ही पड़ी रहती है और स्किन फ्लोरा का एक हिस्सा ही है, समझो। ये हर एक के स्किन पर सिम्बायोसिस से रहती है, यानी कि वो हमारे डेड स्किन और स्किन डेब्रिस को खा के जीते हैं और हमें बॉडी या स्किन को कोई भी ये तकलीफ नहीं देते, यानी इट इज नॉट पैथोलॉजिकल। बट उससे ज्यादा ग्रो होने के लिए अगर फेवरेबल एनवायरमेंट मिल गया तो वो शांति से हमारे स्किन पे रहने का छोड़ के वो डिसीज बन कन्वर्ट हो के हमें तकलीफ देता है। अगर हमारा खुद का बॉडी हाइजीन अच्छा नहीं है या हम स्किन की अच्छी तरह से केयर नहीं करते तो ये फंगल इन्फेक्शन होता है और बढ़ने लगता है। आप सबको मालूम है कि फंगस लव्स ह्यूमिडिटी, वार्मथ, मॉइस्चर, इवन वेट सरफेस, डंप एरिया, ऑक्लूजन ऑफ बॉडी फोल्ड, ऐसे क्लोज एरिया में वो जल्दी ग्रो होता है। फंगस को मैसरेटेड डेड स्किन आइडियल है, वेयर इट डिवाइड्स फास्टर एंड पैथोलॉजिकल बन जाता है। तो ऐसे मौके फंगस के लिए हम कहाँ कहाँ दे सकते हैं या कौन कौन से लोगों में फंगल इन्फेक्शन कॉमन है, क्या रीजन होता है ऐसे होने के लिए, ये हम डिटेल में देखेंगे। पहले देखते हैं कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग फंगल इन्फेक्शन।
फंगस ग्रो होने के लिए गीलापन, थोड़ा ह्यूमिड क्लाइमेट अच्छा रहता है फंगस के लिए। इंडिया बीइंग अ कंट्री विथ सी शोर, यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर है, हॉट क्लाइमेट है, बारिश ज़्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है विथ ओवर क्राउडिंग सिटीज़ में जहाँ जगह छोटी पड़ने लगती है। बहुत सारे लोग कामकाज के लिए बड़े सिटीज़ में जाते हैं, छोटे छोटे रूम में रहते हैं, बहुत सारे एक दूसरे लोगों के साथ क्राउडेड रहते हैं, फिर काम के लिए उन्हें दूर ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है। एक ही जगह ऑफिस में ज़्यादा टाइम बैठकर काम करते हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, एक ही जगह पर पूरा दिन बिताते हैं, फिर ग्रोइन एरिया, थाइज, बटक में बहुत सारा स्वेट होता है, टाइट जीन की फैशन है या पैंट टाइट डालते हैं, एरिएशन भी नहीं वहाँ मिलता, तो फंगस के लिए ये फिस्टी हो जाता है, पार्टी होती है। घर में भी ज्यादा पसीना, ह्यूमिडिटी की वजह से शरीर गीला हो जाता है, अच्छी वर्किंग कंडीशन बहुत जगह पे नहीं रहती, तो एक्सेसिव स्वेटिंग, मॉइस्चर, डैम्पनेस की वजह से फंगस ग्रो होने लगती है। ये एक फेवरेबल एनवायरनमेंट फंगस को मिलता है। इवन सी शोर, सागर किनार पट्टी, सिटीज लाइक मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, यहाँ पर क्लाइमेट की वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। उदाहरण के लिए मुंबई या एनी सिटी, वहां पर लोकल ट्रेन बहुत खचाखच लोगों से भरी रहती है, इवन ट्रांसपोर्ट भी वैसे ही रहता है, और टाइट कपड़ों की वजह से फैशन आ गई है उसकी, थिक क्लोथ जैसे कि जींस पैंट आ गए जो हमें हफ्ते हफ्ते नहीं धोते कुछ लोग, इससे भी प्रॉब्लम बढ़ने लगी है। टू व्हीलर पे ट्रैवल करते हैं, स्पेशली रेनी सीजन में जब बरसात में थोड़े भी भीगते हैं, ऑफिस या घर तक जाने के लिए कपड़े गीले हो जाते हैं, फिर अपने आप सूखते हैं, फिर इस गीलेपन की वजह से फंगस ग्रो होने के चांसेस और बढ़ते हैं। पीपल हु आर शेयरिंग रूम्स विद लॉट ऑफ पार्टनर, स्टूडेंट्स या वर्कर्स, मेनी टाइम वो शेयर बेड शेयर करते हैं, क्लोथ शेयर करते हैं, साबुन शेयर करते हैं, एक दूसरे फंगस में लोगों में ये फंगस ट्रांसफर होती है और ग्रो होती है। आजकल बहुत सारे लोग जिम या फिटनेस सेंटर में जाते हैं, वहाँ अगर ज़्यादा पसीना आता है तो वो पसीना अगर अच्छी तरह से ड्राई नहीं किया या एक्सरसाइज के बाद बाथ नहीं लिया, स्किन ड्राई नहीं की, तो प्रॉब्लम फिर बढ़ने लगता है। इवन शॉवर लेने वाली जगह, वहाँ की जगह बहुत डैम्प होती है, अनहाइजीनिक कुछ जगह होती है, इवन आपके लॉकर में आप यूटेंसिल्स रखते हो, अगर वो गीले हो गए हैं वहाँ, तो फंगस ग्रो होगी ही। नौ जो एथलेट लोग हैं या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, ऐसी जगह अगर पसीना हो रहा है और आप प्रॉपर केयर नहीं ले रहे हैं, शूज में हवा खिल नहीं रही है, अगर आपके सॉक्स डेली चेंज नहीं कर रहे हैं या हाइजीनिक नहीं रख रहे हैं, तो आपको एथलेट फीट या टोस की उंगलियों के बीच में भी फंगस होती है। इवन स्पोर्ट्समैन यूजिंग एंड शेयरिंग हेलमेट्स, हैट्स, कैप्स, बैंड्स, इवन टॉवेल, ऐसी जगह पे भी चांसेस फंगस एक से दूसरे को होने के चांसेस, इवन बॉडी कॉन्टैक्ट जिसमें होता है, रेसलिंग वगैरह, ऐसे केसेस में भी फंगस एक दूसरे से ट्रांसफर हो सकते हैं। जो बच्चे या लोग ओवरवेट है, ज़्यादा मोटे लोग हैं, ऐसे लोगों में पसीना आता है, बॉडी फोल्ड्स, स्पेशली एक्जिला, नेक, इवन बिलो ब्रेस्ट, वेस्ट, जांग, ग्रोइन, ऐसी जगह पे चलते फिरते ज़्यादा पसीना आता है, फ्रिक्शन होता है, हवा ठीक तरह से खेलती नहीं, बॉडी फोल्ड्स एक दूसरे पे घिसते हैं, तो वहाँ अनहाइजीनिक एनवायरमेंट तैयार हो जाता है, ऐसी डैम्प क्लोथ एरिया, मैसरेटेड स्किन फंगस के लिए अच्छा खाना बन जाती है। फंगस के लिए एक पार्टी जैसा होता है, एक फीस्ट होता है, और बॉडी फोल्ड्स की जगह और बाकी जगह पे भी ओवरवेट लोगों में फंगल इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। दोज फीमेल्स वर्किंग इन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम, घर में काम करने वाली लेडीज, होटल में काम करने वाले बच्चे, उंगलियों के बीच में या हाथ पैर में ही फंगस बढ़ने के आसार ज़्यादा होते हैं, जहाँ पानी है वहाँ फंगस बढ़ता है। स्कूल के बच्चों में भी ड्यू टू ओवर क्राउडिंग, अनहाइजेनिक कंडीशन व्हाइल प्लेइंग, और क्लासरूम में भी ड्यू टू क्लोज इंटीमेट कॉन्टैक्ट, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को फंगस की ट्रांसफर होती है, स्पेशली सिर पर यानी स्काल्प में या हेयर में वो फंगस होता है। जब हेयर सलून या हेयर कटिंग की जगह अनहाइजेनिक कंडीशन होती है, जब सेम रेजर, सीजर या इंस्ट्रूमेंट वहाँ विदाउट क्लीनिंग यूज करते हैं, अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते हैं, अच्छी तरह से क्लीन नहीं करते हैं, तो फंगस ट्रांसफर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये तो हुए कुछ एनवायरमेंटल और पर्सनल हाइजीन डे टू डे फैक्टर जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं और फंगस को फेवरेबल एनवायरमेंट ही न दे ताकि उसे ग्रो होता ही नहीं है। अब हम देखेंगे कि बॉडी
में अंदर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे फंगस ग्रो होने के चांसेस रहते हैं। भाइयों और बहनों, फंगस मेनली चार वेज से फैलती है। पहला वे है, जिस व्यक्ति को फंगल इन्फेक्शन हुआ है उस व्यक्ति से हम अगर हमारा कांटेक्ट हो जाता है, ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट, उसमें फंगस होती है। दूसरा वे इन्फेक्टेड एनिमल टू ह्यूमन, यानी कि हमारे जो पेट्स रहते हैं डॉग्स कैट्स, अगर इनमें फंगल इन्फेक्शन है तो हमें भी उनके क्लोज कॉन्टैक्ट से या रहने से फंगस स्प्रेड हो सकता है। तीसरा मौका है ऑब्जेक्ट टू ह्यूमन, अगर कोई फंगस से सफर होने वाला व्यक्ति या एनिमल अगर किसी ऑब्जेक्ट को यूज करता है या कोई चीज उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में आती है तो वो कपड़े टॉवेल बेडिंग बेडशीट शूज इवन सॉक्स इवन कोम ब्रशेस सोप इत्यादि सारी चीजों से ये फैलने के चांसेस है। चौथा वे है सॉइल से ही ह्यूमन में हो जाना इन्फेक्शन। ये इतना कॉमन नहीं है क्योंकि सॉइल फंगस से ज़्यादा इन्फेक्ट होनी चाहिए और हमारा उस सॉइल में ज़्यादा टाइम या इंजरी कुछ हो के उसका कांटेक्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ फार्मर में स्पेशली पैरों पे हाथ के नाखून में ऐसी फंगस ट्रांसफर हो सकती है। और रिपीटेड ट्रॉमा के बाद ये टिनिया पीडिस इंट्राट्रिगो टिनिया अंगवम यानी कि नाखून का फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है डिसीजेस होती है जिनमें फंगस ग्रो होने के फेवरेबल चांसेस अंदर से ही होते हैं तो वो भी हम देखेंगे। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट देखो उनमें चांसेस ज़्यादा है। एचआईवी या एड्स के पेशेंट विथ वीक इम्यूनिटी इनमें भी बहुत सारा सीवियर इन्फेक्शन होने के चांसेस है। फिर जो पेशेंट इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स लेते हैं ऐसे इम्यूनिटी लो होने वाले पेशेंट में फंगस ग्रो हो सकती है। एनीमिया कुपोषित माता भगिनी पेशेंट जिसमें विटामिन डिफिशियंसी है वीक पर्सन है एजेड पीपल है प्रेग्नेंट लेडी है फंगल इन्फेक्शन इनमें ज़्यादा होने की चांसेस है। इवन ओवरवेट पीपल फंगल इन्फेक्शन से ज़्यादा सफर होते हैं। कुछ लोगों में स्पेशली लॉन्ग टर्म ओरल एंटीबायोटिक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने से भी कुछ लोगों में फंगस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये इतना कॉमन नहीं लेकिन होते हैं। और एक ड्रग है जिससे फंगल इन्फेक्शन का प्रॉब्लम बढ़ सकता है और रूटीन एंटीफंगल मेडिसिन को ये रिस्पॉन्ड नहीं होता वो है क्रोनिक इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है वो है फंगल इन्फेक्शन का एपिडेमिक। वो क्यों होता है? इट इज ड्यू टू इनजुडिशियस यूज ऑफ टॉपिकल या ओरल स्टीरॉइड। मुंह से या लगाने वाली स्टेरॉइड दवा जिसका इनजुडिशियस यूज है इम्प्रॉपर यूज है उसमें होने के चांसेस है। देखिए भाइयों बहनों स्टेरॉइड एक बहुत अच्छी दवा है लाइफ सेविंग मेडिसिन है ये कोई भी खराब दवा नहीं है या कभी कभी लेना ही नहीं ऐसे नहीं करना। बहुत सारे स्किन डिसीजेस में ये दवाइयाँ लगाना या मुँह से लेना अनिवार्य होता है यूजफुल है पर सिंपल सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन में ये दवा यूज करना जरूरी नहीं है। फिर भी पेशेंट खुद दुकान में जाके स्टेरॉइड कंटेनिंग क्रीम या गोलियां लेते हैं या कभी कभी फ्रेंड्स रिलेटिव या पहचान वाले बताते हैं केमिस्ट वाले बताते हैं और इसे परचेस करते हैं और फिर यूज करते हैं। फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ केमिस्ट दवाइयों की दुकान में खुलेआम ये स्टेरॉइड वाले मलम मिलते हैं। जनरल प्रैक्टिशनर या बोंदू डॉक्टर जिनकी डिग्री नहीं है अनक्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स भी ऐसे स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन वाली दवाइयाँ जिनमें एंटीफंगल प्लस एंटीबायोटिक स्टेरॉइड ऐसे बहुत सारे तीन चार दवा मिक्सर रहते हैं ऐसे पेशेंट को खुद ये दवा लेते हैं लगाते हैं और उस मलम का एडिक्शन हो जाता है। आइडियली ऐसे ट्रिपल या मल्टीपल ड्रग्स का कॉम्बिनेशन देना मेडिकल इथिक्स के अनुसार नहीं है फिर भी हमारे इंडिया में ये यूज किया जाता है और खुलेआम पेशेंट को बिना प्रिस्क्रिप्शन से भी ये मिल रहा है कोई भी कंट्रोल नहीं है ये शोकांतिका है। इसलिए फंगल इन्फेक्शन अब इपिडेमिक जैसे फैल रहा है ओनली ड्यू टू स्टेरॉइड। हमारे इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजी वेंड्रोलॉजी और लेप्रोलॉजी यानी कि IDWL ने भी इसके अगेंस्ट बहुत आवाज उठाई है और जनरल पॉपुलेशन में भी लोगों को अवेयरनेस करने के बारे में बहुत अच्छे कदम उठाए हैं बहुत सारे वीडियोस है उनके गाइडेंस से ही टॉपिकल स्टेरॉयड एब्यूज के बारे में हम भी ये अवेयरनेस कर रहे हैं। थैंक यू IDWL फॉर योर गाइडेंस। तो
तो ये कौन कौन से स्टीरॉयड कॉम्बिनेशन वाले ड्रग्स है, कैसे हम इनको नामों से पहचाने। यूजुअली हम हमारे कोई भी एजुकेशनल वीडियो में ट्रेड नेम्स नहीं लेते, दवा के नाम नहीं लेते। फंगल इन्फेक्शन एक आम समस्या हो गई है, इपिडेमिक जैसा हो गया, और लोगों में ये दवा से कॉमन आदमी के इकोनॉमिक पर भी फर्क पड़ रहा है, बीमारी बढ़ रही है, फैमिली, पूरी फैमिली सफर हो रही है। इसलिए जस्ट टू मेक यू अवेयर, ताकि आप इन्हें यूज नहीं करेंगे, मैं आपको कुछ स्टीरॉयड कंटेनिंग क्रीम्स के या मलम के नाम बताने वाला हूं। स्टीरॉयड के साथ कॉम्बिनेशन में रहने वाली क्रीम्स कैंडिड बी, बेटनोइट सी, झोल एफ, क्लोबेन जी एम, बेटनोइट एन, कॉस्वेट सरफेस, बेटनोइट सी, डिप्सैलिक, प्रोपिसैलिक, टिनोवेट, कॉस्वेट, मोमेट, इवन बेटनोवेट, नैटिमिक्स, सोफ्राडेक्स, लोबेट जीएम, लुपिडम जीएम, बिटामिल जीएम, कॉस्वेट जीएम, डर्मिफाइड, ट्राइडम, फोरडम, क्वाड्रिडम, पैंडम, ओटूडम, क्लोडम, अरे ऐसे कितने नाम है। इनके उपयोग के बाद तुरंत ही कुछ दिन में आपको फंगल इन्फेक्शन कम हो जाता है, खुजली कम होती है, स्किन के ऊपर के रेड एंड पिगमेंटेड पैचेस भी कम होने लगते हैं, बहुत आराम मिलता है। इस क्रीम से स्टीरॉयड होता है वो तुरंत एक्ट होकर आपकी खुजली कम कर देता है, सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन कम कर देता है, और कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए सिम्टोमेटिक रिलीफ आपको मिलता है। लेकिन फिर बंद करने के बाद एक दो दिन में रेड पैचेस फास्ट स्प्रेड होते हैं, और फिर फंगस स्प्रेड होने लगते हैं, और फिर मलम यूज करने से थोड़ा कंट्रोल हो जाती है, खुजली बंद हो जाती है, पर मेडिसिन रोकने पे ये फंगस फिर आती है, और ये एक विशेष साइकिल बन जाता है, और आदमी इस साइकिल में फंस जाता है, और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद इस स्टीरॉयड कंटेनिंग मलंग के साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं, और फंगल इन्फेक्शन भी कम नहीं होता, स्प्रेड होने लगता है, पूरी बॉडी पर स्किन फटने लगती है और थिंड आउट होने लगती है, सफेद या रेड पड़ने लगते हैं। भाई और बहनों, ये फंगल इन्फेक्शन एक सोशल प्रॉब्लम हो गया है, पूरी फैमिली इससे सफर कर रही है, इसलिए बहुत थोड़ा सा लंबा वीडियो बन गया है। ये वीडियो को दो पार्ट में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं अभी ही, तो पहला पार्ट ये अभी तक का हो गया, अभी दूसरा पार्ट इमीडिएटली इसका आगे का हिस्सा आप देखिए, जरूर देखना, आपके फंगल इन्फेक्शन के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे कंट्रोल करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दूसरा पार्ट इमीडिएटली ही देखिए। We'll be right back.